कोसमंदा गांव के ठाकुर देव चौक में रंगमंच के लिए मिली 5 लाख रुपए की राशि, किया गया भूमि पूजन, ग्रामवासियों में खुशी का माहौल। चांपा तहसील क्षेत्र के कोसमंदा गांव के ठाकुर देव चौक में भाजपा के जिला मंत्री भुवन भास्कर यादव, जिला भाजपा आईटी सेल अरुण शर्मा और आयुष शर्मा के नेतृत्व में 5 लाख रुपए के रंगमंच की स्वीकृत की गई है। यहां ठाकुर देव की पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में सरपंच गजाधर प्रसाद कौशिक, पूर्व बीडीसी जोहन प्रसाद कौशिक, भाजपा नेता संतोष सोनी, बैगा तिहारू राम धीवर, चमरा धीवर सहित बड़ी संख्या में गांव वासी एवं आमजन उपस्थित थे। यहां भाजपा जिला मंत्री भुवन भास्कर यादव ने बताया कि उनके द्वारा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी को लेटर दिया गया था और प्रभारी मंत्री के द्वारा तत्काल 5 लाख रुपए की राशि रंगमंच के लिए स्वीकृत की गई है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये ग्राम कोसमंदा जो बलौदा विकास खंड का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ सरकार की मंशा इसी से जाहिर होती है कि विकास पे कितना सरकार का ध्यान है। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया, प्रभारी मंत्री जी से अपने लेटर पे एडमिशन गठन के दिए और उन्होंने तत्काल रंगमंच के लिए 5 लाख की स्वीकृति प्रदान किए और भी कहे हैं कि इस ग्राम के लिए, कोसमंदा बड़ा गाँव है और इस विधानसभा शक्ति विधानसभा का भी बहुत बड़ा गांव है, तो इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा और विकास की गति और इसी तरह से तेजी के साथ में आगे बढ़ेगी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का लक्ष्य है। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के शासक विष्णु सावदे जी, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे। अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए अभी तत्काल पैसा जारी करत है, साथ साथ हमारे प्रभारी मंत्री है वो 5 लाख के हमारे ठाकुर दिया चौक में सार्वजनिक मंच स्वीकृत करे हैं, उनके लिए हम गांव वाली ग्रामवासी बहुत बहुत आभारी हैं।